हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहता हूं कि फ्लेक्सी एज प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हमने इस प्लान के ऑप्शन नंबर 1 जो कि है फ्लेक्सी सेविंग्स की डिटेल को उदाहरण के साथ में बताया है। तो जानने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें और जो थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है इस समय इस वीडियो को देखें। अब जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हमेशा आप ही लोगों के कमेंट सुझाव के अनुसार आती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम सीधा चलते हैं प्लान के सेकंड ऑप्शन की तरफ, यानी कि कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्लेक्सी एज प्लान के ऑप्शन नंबर 2 फ्लेक्सी इनकम की डिटेल को उदाहरण के साथ समझेंगे। फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन का जो की एलिमेंट है या मुख्य बेनिफिट है वो है गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट, और एक पोर्शन जो होगा मेच्योरिटी का वो भी गारंटेड होगा। यह ऑप्शन विद प्रीमियम प्रोटेक्शन, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो सारी प्रीमियम माफ हो जाए, या फिर विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन यानी कि प्रीमियम माफ नहीं होंगी डेथ केस में। दोनों ही तरीके से अवेलेबल है, आप अपनी इच्छा अनुसार ऑप्ट कर पाएंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल से लेके 12 साल तक का है, पॉलिसी टर्म 12 साल से लेके 40 साल तक का आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एंट्री एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपने यह ऑप्शन विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन लिया है तो 0 से लेकर के 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए ऑप्शन है। अगर आप यह ऑप्शन मतलब फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन को विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो 18 साल से लेकर 50 साल तक की आयु सीमा है। अधिकतम मेच्योरिटी की जो आयु सीमा है वो 70 साल की है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम है फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन की तरह। सालाना 24,000 रुपए आपको पे करने होंगे प्लस टैक्सेस, कम से कम छमाही 18,360 प्लस टैक्सेस, तिमाही 9,360 प्लस टैक्सेस, मासिक आपका जो प्रीमियम होगा वो 3,240 प्लस टैक्सेस, ठीक है। और मासिक जब आप मोड ऑफ प्रीमियम चुनते हैं तो आपके ही अकाउंट से वो डिडक्ट होता है ऑटो मोड पे, तभी आपको मिलता है मासिक मोड। सम अशोर्ड का जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा आपकी उम्र पे, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म, प्लान ऑप्शंस क्या लिया है आपने उसके ऊपर। बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है इस ऑप्शन में सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप इनकम बेनिफिट या मनी बैक बेनिफिट कहते हैं। जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होगा, सबसे पहले आपके गारंटेड सम अशोर्ड का आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा जो कि होगा आपके गारंटेड सम अशोर्ड का 50%। उसके बाद हर साल आपको इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू होगी गारंटेड इनकम प्लस कैश बोनस के रूप में, ठीक है। लमसम अमाउंट मिल गया, उसके बाद से मिलना शुरू होगा, ठीक है। अब ये गारंटेड इनकम क्या है, गारंटेड इनकम का मतलब है कि आपका जो 50% गारंटेड सम अशोर्ड रह गया उसको डिवाइड कर देंगे पॉलिसी टर्म में से प्रीमियम पेमेंट टर्म को घटाने के बाद जो डिजिट आएगी उससे। उदाहरण के तौर पे आगे मैं आपको बताऊंगा तो घबराइएगा मत। कैश बोनस का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा आपके गारंटेड सम अशोर्ड की अमाउंट के ऊपर। बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर आपने ये ऑप्शन विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया है तो ऐसे में सम अशोर्ड ऑन डेथ एनुअल बोनस जितना भी इकट्ठा होगा वो टर्मिनल बोनस अगर होगा तो वो इकट्ठा होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट को डेफर्ड कर दिया होगा आगे चल के, मतलब लेने से मना किया होगा, तो ऐसे में एनुअल इंटरिम बोनस और एनुअल इंटरिम कैश बोनस भी आपको मिल सकता है। इफ एनी का मतलब है गारंटेड नहीं है, राइट, मिल सकता है। ये जो टोटल सम आएगा इसको कंपेयर किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% से, मतलब कि टिल द डेट ऑफ डेथ जितना प्रीमियम पे किया गया उसका 105% भी निकाला जाएगा। दोनों में जो अमाउंट ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा। अगर आपने प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया होगा तो सम अशोर्ड ऑन डेथ या टोटल जो आपका प्रीमियम है उसका 105% निकाल के कंपेयर किया जाएगा, जो अमाउंट ज्यादा बैठेगा वो एज ए डेथ बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा, और सारी भविष्य की जो प्रीमियम है वो माफ हो जाएंगी। आगे चल के मेच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को मिलेंगे। अब सम अशोर्ड ऑन डेथ का क्या मतलब है, आपका गारंटेड सम अशोर्ड जो मेच्योरिटी से पहले ही आपको पता होता है, मतलब कि जब आप प्लान लेते हैं तभी आपको पता होता है कि ये गारंटेड सम अशोर्ड है, कंपनी बता देती है आपको, उसका कंपैरिजन किया जाएगा आपके सालाना प्रीमियम में 11 का गुणा करके। जो अमाउंट ज्यादा होगा वो सम अशोर्ड ऑन डेथ होगा। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आपका 100% गारंटेड सम अशोर्ड मिल जाएगा, आपका इकट्ठा हुआ सालाना बोनस और उसके साथ में इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस जिसे हम फाइनल बोनस कहते हैं, या फिर जो डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट का जो बैलेंस है वो। ये कब बनता है, जब आप अपने सर्वाइवल बेनिफिट को लेने से मना कर देते हो इन बिटवीन द पॉलिसी टर्म, तो वो डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर अगर कोई बोनस अमाउंट बनता है तो वो भी मिल जाता है।
इसी के साथ प्लान में आपको हाई प्रीमियम बूस्टर बेनिफिट मिलता है, मतलब अगर आपका प्रीमियम ज्यादा है प्रीमियम बैंड से, तो ऐसे में आपका जो गारंटेड सम अश्योर्ड है वो कुछ प्रतिशत की दर से बढ़ जाता है। और ये जो प्रतिशत की दर है ये डिपेंड करती है प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म, प्लान ऑप्शन और इसी के साथ में कि प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन ऑप्ट किया है या नहीं, तो काफी सारे फैक्टर हैं यहाँ पे। अब उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान के हैं, उनकी उम्र 40 साल की है, वो 20 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, सालाना वो 1,00,000 रुपए का बेसिक प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो गारंटेड सम अश्योर्ड उनको मिल पाएगा वो होगा 6,26,730 रुपए का, ठीक है। और 10 साल में जो टोटल पेड प्रीमियम वो पे कर लेंगे वो 10,00,000 रुपए का हो जाएगा, राइट, सिंपल अंडरस्टूड चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है, यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट। तो उसके लिए हम जानेंगे कैश बोनस की रेट जो कि है 1%, मतलब 1%। 20 साल का पॉलिसी टर्म है हमारा, फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन है, तो 1% कैश बोनस का रेट यहाँ पे हमें मिल जाता है, जिसका कैलकुलेशन गारंटेड सम अश्योर्ड पे किया जाएगा एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब इसी के साथ हमने इस प्लान में एनुअल बोनस का भी जिक्र समझा था, मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना कि अक्योर्ड एनुअल बोनस इकट्ठा होकर मिलता है, तो एनुअल बोनस का इस प्लान में मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जिसका रेट है 2%, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है आपको तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। तो अब हमारा यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद में, तो हमारे गारंटेड सम अश्योर्ड का 50% जो होगा, जो कि 3,13,365 रुपए होगा, वो श्रीमान के को मिल जाएगा जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा। अब जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया, लमसम बेनिफिट मिल गया, उसके बाद में सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, जैसा कि आपको बताया था, गारंटेड इनकम प्लस कैश बोनस। अब हम यहाँ पे गारंटेड इनकम निकालेंगे, तो गारंटेड इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, 50% निकाल लेंगे हम गारंटेड सम अश्योर्ड का, जो कि 3,13,365 होगा, और उसमें हम 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। कैसे दे रहे हैं, क्योंकि 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 20 में से 10 आप घटा दीजिए, तो 31,336.50 रुपए का अमाउंट यहाँ पे आ गया गारंटेड इनकम का, तो ये अमाउंट गारंटेड है। कैश बोनस का कैलकुलेशन किया जा रहा है गारंटेड सम अश्योर्ड पे, कैश बोनस का जो रेट है वो 1% का है, राइट, तो 6,26,730 में 1% निकाल लेंगे तो 6,267.30 रुपए का अमाउंट होगा। तो पहला जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म लमसम बेनिफिट लेने के बाद में, वो होगा 37,603.80 रुपए का, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट पता लगा लेते हैं कितनी बैठेंगे, तो 37,603.80 रुपए में हम 10 का गुणा कर देंगे तो 3,76,038 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा, क्योंकि 10 साल का पीरियड हो गया ना। अब हम जान लेते हैं कि मेच्योरिटी से पहले ही टोटल कितना अमाउंट मिल गया यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में, तो लमसम बेनिफिट और जो इंस्टॉलमेंट में जो बेनिफिट मिल रहा है उन दोनों का हम यहाँ पे सम अप कर देंगे। दोनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो जो अमाउंट निकल के आएगा टोटल सर्वाइवल बेनिफिट का वो 6,89,403 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट की, तो हमने यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट लगातार लिया है तो 100% गारंटेड सम अश्योर्ड मिल जाएगा, एनुअल बोनस जो इकट्ठा हुआ वो मिल जाएगा, टर्मिनल बोनस अगर होगा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है तो मिल पाएगा। अब सर्वाइवल बेनिफिट लगातार लिए हैं तो यहाँ पे कोई भी हमारा बैलेंस अंडर द डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन नहीं है, वो जीरो हो गया, ठीक है जी, क्योंकि हम लगातार लेते रहे ना, तो डेफर्ड हमने किया ही नहीं है। कैश बोनस का रेट हमें पता ही है कि 2% की दर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कैश बोनस का अमाउंट हम निकाल लेंगे। कैश बोनस से मतलब है मेरा यहाँ पे एनुअल बोनस, कैश बोनस तो आपको मिल चुका, सॉरी फॉर माई स्लिप ऑफ टंग। तो 6,26,730 रुपए का 2% निकालेंगे, 20 का गुणा कर देंगे क्योंकि 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो टोटल एनुअल बोनस जो इकट्ठा होकर हो जाएगा वो 2,50,000 से ऊपर का होगा। तो ऐसे में हमारा मेच्योरिटी बेनिफिट क्या हो जाएगा, जो गारंटेड सम अश्योर्ड है उसमें हम अक्योर्ड जो बोनस आ गया उसको ऐड कर देंगे, मतलब 6,26,730 में हम 2,50,692 रुपए जोड़ देंगे और टर्मिनल बोनस, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 8,77,422 रुपए के आसपास होगा प्लस टर्मिनल बोनस। अब टर्मिनल बोनस का अमाउंट भी अच्छा खासा बन सकता है, जो इनका बोनस का जो पीडीएफ था उसमें मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंदाजा नहीं लगाया है, और वैसे भी ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो टोटल पेड प्रीमियम हुआ रहा है यहाँ पे हुआ 10,00,000 रुपए का, और टोटल रिटर्न जो हमें देखने के लिए मिल रहा है या मिल सकता है वो 15,66,825 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस, तो ये मिल सकता है। अब देखिए डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन अब आप कर लेंगे, क्योंकि बोनस की कैलकुलेशन किस तरीके से होनी है क्या क्या चीजें हम डिटेल में आपको बता चुका हूँ, फिर भी सम अश्योर्ड ऑन डेथ को लेके कंफ्यूजन हमें हो जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सम अश्योर्ड ऑन जो डेथ है यहाँ पे वो हमारा
गारंटेड समर शॉट अमाउंट या हमारे सालाना प्रीमियम का 11 गुना। एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे दिया है बस इसके बारे में, बाकी डेथ बेनिफिट की भी कैलकुलेशन इसी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। बाकी बोनस वगैरह की भी कैलकुलेशन हमने आपको करके दिखाई है कि जो अक्योर्ड एनुअल बोनस है वो किस तरीके से होगा। टर्मिनल बोनस के बारे में आपको बताई दिया कि 100% कंपनी के ऊपर डिपेंड करता, मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है। और पिछले भाग में भी आपको इनके बारे में हमने बताया था डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। अब अगर आप सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हो, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हो, लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट की डिटेल को उदाहरण के साथ में अगर आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अलग से हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सरेंडर वैल्यू, रिड्यूस पेड अप वैल्यू के जो बेनिफिट होंगे, लोन के अमाउंट को भी बताएंगे।